नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए BGMI के गेम प्ले में। तो ये वाला गेम प्ले बहुत ही खास है और बहुत ही बढ़िया है। और आप देखिए, हमारे ऊपर हुआ था हैकरों का प्रकोप, तो देखते हैं आगे जाके। तो सबसे पहले तो हम फिर से जा रहे थे हमारे फेवरेट जगह, जो कि है स्कूल अपार्टमेंट्स। तो स्कूल अपार्टमेंट में उतरने के बाद हमको छोटी छोटी गनें तो मिल गई थी, और हमने उन्हीं गनों से क्या कमाल मचाया, क्या धमाल की, देखते हैं आगे। तो इसी बात पे आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ऐसे ही उतर रहे थे, तो उतने में ही हमारे साथ ही 2-3 प्लेयर भाई उतर गए भाई। तो भाई ये तो चला गया उस साइड, और ये हमारे साइड आ गया था भाई। हमको लगा भाई इसको छोड़ दो, जाने दो यार इसको। हमको पीछे बॉट दिखा, तो इस बॉट को तो सबसे पहले मारना होता है भाई। प्लेयरों को मारो या ना मारो, पर बॉट का किल मत छोड़ो भाई, यही था आज का ज्ञान। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? बॉटों को ना छोड़े, और देखते फिर आगे। आगे की साइड हमारे प्लेयर को एक प्लेयर मार रहा था भाई, तो हमने सोचा इसको मार देते भाई। तो सबसे पहले तो इसको ख़त्म कर दिया, तो 2 किल हो चुके थे इसके बाद। और यहाँ पे हमको एक और फुटस्टेप आ रही थी, हमको एक प्लेयर है, पर प्लेयर ही था वैसे, वो लगा क्या भाई, प्लेयर ही था। उसके बाद हम इधर उधर भटक ही रहे थे, उतने में हमको एक बॉट दिख गया भाई। बहुत ही दो बॉट एक दूसरे के बीच में इधर उधर गोली मार रहे थे भाई। तो फिर हमने सोचा कि हम ही उनको मार देते हैं। तो एक बॉट को मारने के चक्कर में हमने पूरा एमओ ख़त्म कर दिया था भाई, हमारे पास दूसरी गन भी नहीं थी। तो फिर से हमने इधर उधर गन छानबीन की, पर हमको सिर्फ एक ही गन मिली उसी, और एक और हमारा फैन हमको मिलने आया था, तो उसको ख़त्म कर दिया हमने वैसे। इसके बाद एक और टीम आ चुकी थी यहाँ पे पूरी गाड़ी लेकर, और हमने एक किल चोरी कर लिया भाई, मतलब हमने ही नॉक किया था, हमने ही फिनिश किया है उसको। और वो टीम तो ख़त्म हो गई लगभग, एक या एक ही प्लेयर बचा था वैसे। तो ये भी बहुत भाग रहा था भाई रिवाइव करने के लिए उसके टीममेट को, पर कुछ हो नहीं पाया उससे। मैंने सोचा तो था कि भाई चलो जाते हैं अभी, पर भाई हमारे नीचे भी 2 प्लेयर बैठे पड़े थे बस। तो इधर उधर भटक रहे थे, तो इतने में ही हम इधर उधर भटकते भटकते ही हमारे ऊपर ही एक प्लेयर ने रश कर दिया था। मेरे को जानता नहीं है ये। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना, तो सीधा जाके हम मार देते हैं उसको। तो सीधा शॉटगन से पट्ट से शॉट मार दिया भाई। इसके बाद इधर उधर भटकते ही हमको एक और बोट मिल गया। तो बोट की किल नहीं छोड़ने चाहिए दोस्तों, जितने हो सके उतने मारो। तो एक और बार हमको एक और बोट, किसी की पेटी लूट रहा था, तो उसको भी हमने ख़त्म कर दिया। वाह मोदी जी, वाह वाह। तो अभी यहाँ पे हमने 1000 IQ ग्रेनेड करने की कोशिश की, पर उससे कुछ हुआ नहीं। फिर हमने सोचा कि सीधा हम गन लेके उसको IQ दिखाते हुए सीधा हमने उसको फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे वो इधर उधर भाग रहा था भाई, पर उसको दे दिया भाई। तो इसी बात पे ठोकिए लाइक। यही था हमारा 1000 IQ ग्रेनेड, और किल भी था, क्लच होते हुए थे रह गया वहाँ पे। तो कोई बात नहीं, उसके आगे ये बॉट भाई बॉटों की पेटियाँ लूट रहा था भाई इधर उधर जाके। तो भाई पेटियाँ ऐसे नूब जैसे लूटोगे तो यही होगा भाई। और उसके चक्कर में भाई पूरी की पूरी टीम देखो आप, पूरी की पूरी टीम लूट गई भाई। और यहाँ पे हमारे हो चुके थे 10 किल, और ये एक और था जिसको हमने सबसे पहले, यही था बॉट। अच्छा, यही बॉट लूट रहा था भाई बॉट की पेटी। तो वो ख़त्म हो गया। उसके बाद जो आखिरी प्लेयर बचा था, तो भाई वो तो भाई सबसे हरामी भाई गाड़ी लेके भागने लगा था भाई। मैंने उसको भाई बहुत डैमेज दिया, पर भाई मरा नहीं भाई वो। और मेरी गन जब तक रिलोड होती तब तक तो भाई टीममेट ने ख़त्म कर दिया। उसके बाद हम आ चुके थे शेल्टर की साइड, और यहाँ पे एक बॉट जैसा बंदा ड्रॉप लूट रहा था ओपन में जाके भाई। तो सीधा हमने उसको फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद हमने सोचा कि दूसरा एक और प्लेयर भी जा रहा था भाई, पर वो निकल चुका था भाई। उसके बाद हमने सोचा कि पीछे चलते हैं। तो पीछे जाने की कोशिश में ही थे गाड़ी वाड़ी लेके, उतने में ही हमारी मुलाकात हो गई इस मैच के सबसे पहले हैकर की। ये था वो हैकर जिसकी मैं सबसे पहले बात कर रहा था भाई। इसने आखिर में भी बहुत ज़्यादा परेशान किया है आप देखिए, और हमने हमारे टीममेट को किसी तरह बचा लिया। और देखिए एक और बार लास्ट में उसी हैकर ने हमको ख़त्म करने की कोशिश भी की, और ख़त्म भी कर दिया। और 12 किल के साथ वो गेम ख़त्म हो चुका था। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इसके बाद हमने फिर से एक और बार गेम स्टार्ट कर दिया था। हम जा रहे थे जॉर्ज पुल सिटी,
जॉर्जपुल सिटी में ज़्यादा तो प्लेयर नहीं आए थे, एक ही स्क्वाड आई थी वैसे तो, और एक दो प्लेयर इधर उधर छुपे भी थे वैसे तो। हम इधर उतर गए, हमारी टीम तो आगे निकल गई थी अपार्टमेंट के साइड, तो उनको उनमें से एक दो प्लेयर नॉक हो गए हमारी टीम के। हमने उनको बहुत ज़्यादा कवर देने की भी कोशिश की, आप देखिए भाई सीधा AKM 3X से हमने एक प्लेयर को नॉक कर दिया, और नॉक करने के बाद हमने सोचा कि निकल लेते हैं, अभी बहुत ज़्यादा प्लेयर आ चुके हैं वहाँ पे। हमारे पहुँचने से पहले ही हमारी पूरी की पूरी टीम लुढ़क गई भाई वहाँ पे, बस एक ही प्लेयर बचा था हमारा नंबर एक, और उसको हमने रिवाइव दिया। और उसके बाद एक दो प्लेयर हमारे ऊपर रश भी कर रहे थे, तो बस देखिए एक और क्लच, और यहाँ पे बढ़िया सा क्लच भी हो गया, और नंबर एक टीममेट ने हमारे बहुत बढ़िया खेला वैसे यहाँ पे, मतलब 5-10 XP पे उसने ख़त्म कर दिया भाई, तो बहुत बढ़िया एक और बार। तो इसके बाद हम इधर उधर जा ही रहे थे, हमको दिखा एक दो बॉट, तो बॉट के किल तो मैंने पहले ही बोला है भाई छोड़ना नहीं चाहिए, तो इसको ख़त्म कर दिया हमने। और इसके बाद एक और स्क्वाड आ चुकी थी भाई, जहाँ पे मैं उतरा था वहीं पे एक और स्क्वाड आ चुकी थी, शायद ये जॉर्जपुल वाली स्क्वाड हो सकती है वैसे तो। तो उससे पहले हमको एक बॉट मिल गया, तो बॉट को तो ख़त्म कर दिया सीधा, 5 किल हो चुकी थी यहाँ पे। और सामने की साइड एक बंदा था जो कि घर में बैठा पड़ा था, तो हमने सोचा IQ ग्रेनेड लगाने की कोशिश करते हैं, तो सीधा ग्रेनेड और बूम बम, और ख़त्म कर दिया उसको सीधा। क्या बढ़िया था गुरु। दूसरा एक और ग्रेनेड करने की कोशिश तो की, पर वो हो नहीं पाया वैसे, नीचे चला गया होगा। तो उसके बाद हमने हमारे गन से ही काम करना अच्छा समझा, और हमारे टीममेट ने उसको मार दिया। तो एक और प्लेयर यहाँ पे बैठा पड़ा था, रश मारने की कोशिश की उसने, पर हमने उसको AKM से हमारे बजा दिया उसको। और इसको ख़त्म करने के बाद हमको लगा कोई बचा नहीं है भाई अब यहाँ पे, तो हम चले गए लूटने, शॉप पे गए, इधर उधर टोकन वेकन देख रहे थे। उतने भी हमारे ऊपर भाई इतना ख़तरनाक ग्रेनेड भाई, अनएक्सपेक्टेड, पता ही नहीं चल रहा था भाई क्या हो गया भाई, ये कहाँ से आया ग्रेनेड। प्यारे बच्चों जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। तो ग्रेनेड उसने डाल दिया, मैंने सीधा बोला कि पीछे आ जाओ भाई, वहाँ पे तो नहीं होगा भाई, वो ग्रेनेड डालता रहेगा सामने वाली साइड भाई। एक एक भी फुटस्टेप नहीं दी थी इस बंदे ने, तो पूरा का पूरा कैंपर, ये आखिरी प्लेयर ही था मुझे लगता है लास्ट वाली स्क्वाड का, घूमते घूमते यहाँ पे आ गया था ये बोट। तो हमने बस देखिए आप कितने ग्रेनेड इसके ऊपर मारे, और कितने ग्रेनेडों के बाद ये जाके मरा, नहीं तो भाई हमने सोचा कि शॉप टोकन्स, हमने जितने भी ग्रेनेड मिलते उतने ग्रेनेड हमने ले लिए, क्योंकि भाई ये हमको जाने तो नहीं देने वाला था, ऐसे ही नहीं जाने देने वाला था, तो इसलिए हमने इधर उधर जाने की कोशिश भी की। ये एक ग्रेनेड हमने कुक किया, पहला वाला ग्रेनेड, एक और पहले एक तो डाल दिया था, एक दूसरा वाला समझिए, यहाँ पे वो मरा नहीं भाई। तो इसके बाद एक और ग्रेनेड की कोशिश की हमने, इसमें भी नाकामयाबी हासिल होते हुए फिर हमने सोचा कि लास्ट ग्रेनेड भाई, इस ग्रेनेड में कुछ हुआ तो हुआ, नहीं तो भाई यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो जाता। पर यहाँ पे तबाही वाला ग्रेनेड एक और बार, ओपी क्लच, ओह माय गॉड, वाओ, 1v4 हो गया था लगभग। उसके बाद हम आ चुके थे अपार्टमेंट की साइड, और यहाँ पे हमको एक और बार मुलाकात हो गई एक और हैकर से। तो देखिए हम यहाँ पे खड़े हो गए थे, और हम यहाँ पे आए भी नहीं थे, उतने में ही उसने ग्रेनेड से बूम कर दिया भाई, भाई पता भी नहीं था भाई, देखो ख़त्म भाई ख़त्म। देखो भाई ये हैकरों की तो भाई क्या ही बोले, अभी गेम बैन हो गया है फिर भी हैक करते बैठे। देखो 17 किल कर दी, ये आपको लगेगा ये हैकर नहीं पर ये हैकर है, KD इसने मेंटेन की हुई है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, लव यू।